अब तो बसंत आ गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मंदिर में आए हैं। ये देखो नाई की फूल है ये। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लाही के फूल क्यों तोड़ रहे हैं। ये लाही के फूल है और इन्हें सरसों का भी फूल कहा जाता है, जिससे कड़ुआ तेल निकलता है। ये फूल बसंत पंचमी के दिन, इनकी एक ही पंखुड़ियाँ निकालो, 31 पंखुड़ियाँ निकाल के शिव जी पे चढ़ा देना, ठीक है? आप आज चलवा लें। माता सरस्वती जी जब प्रकट हुई तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने उनकी पूजा की थी। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने माता सरस्वती की पूजा की थी, उनका आह्वान किया था, तो माता मुरली पे विराजमान हुई थी। इसके बाद में भगवान शिव ने उनका जब आह्वान किया तो माता डमरू में विराजमान हुई, और उन्होंने जब डमरू बजाई तो पूरी सृष्टि में कौतूहल हो गया। तब भगवान शिव खुश होकर उन्होंने नटराज का नृत्य किया ताकि इस सृष्टि पे सातों स्वरों की उत्पत्ति हुई। सातों स्वरों की उत्पत्ति माता सरस्वती भगवान शिव के ही कारण हुई थी। बसंत पंचमी के दिन हमें भगवान शिव की, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, हर देवी की, हर भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। थोड़ा बचा रखना। हाँ चला दो। बसंत पंचमी के दिन हमको भगवान शिव पे सरसों के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए हमारे बच्चों को। रखे रहो ना, सरस्वती माता को चढ़ाना। जय हो। ये देखो हम सरस्वती माता के मंदिर में आई, पर यहाँ शीशा लगा है। देखो वो उन्होंने कहाँ खोसा। हमारे बच्चों का भविष्य हम ही तय करते हैं, इसलिए हमें भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, माता सरस्वती का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए बसंत पंचमी को, और उनकी पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, और हर दिन माता सरस्वती की फ़ोटो लगा के या चित्र लगा के या मूर्ति स्थापित करके उनकी धूप बत्ती करके और रोज़ पूजा करके फिर पढ़ाई। आज हम आए थे मंदिर बसंत पंचमी के, बसंत पंचमी के दिन हम अनु को लेके मंदिर आए थे, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है, और जहाँ सरस्वती जी का मंदिर होता है वहाँ जरूर जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए, सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ विद्या की देवी है, विद्या और बुद्धि प्रदान करती है, और अगर हमारे अंदर विद्या और बुद्धि होगी तो हमें सब कुछ आएगा, हम सुख संपन्न सब कुछ विद्या और बुद्धि से ही आता है। अगर आज बसंत पंचमी है और आज हम आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और बसंत पंचमी की पूजा से करने से हमें क्या लाभ होता है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को क्या लाभ होता है, और बसंत पंचमी पूजा कैसे की जाती है। पंचमी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सरस्वती माता का इस दिन जन्म हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने जिस सब सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि पर कोई सुरगुण नहीं था, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हमने सृष्टि बना दी पर सृष्टि में कोई सुर नहीं है, तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने माँ सरस्वती जी को प्रकट किया। उनके एक हाथ में शंख था, एक हाथ में उनके स्फटिक की माला थी, और एक हाथ में उनके विद्या थी, और एक हाथ में बीड़ा थी, बीड़ा जो बजाने वाली थी। तो जब वो उन्होंने प्रकट किया तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का तुम संचार करो, इसमें सुर, इसमें आवाज़ आ जाए। तो उस टाइम सबसे पहले माता सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, और सबसे पहले उन्होंने बीड़ा को बजाया, और जब बीड़ा को सबसे पहले सरस्वती माता ने बजाया था तो सृष्टि में कौतूहल हुआ था। इससे पहले कौतूहल नहीं था सृष्टि में, बिल्कुल सृष्टि शांत थी,
और विद्या की देवी थी इसलिए उनके हाथ में पुस्तक थे, तो उन्होंने फिर ज्ञान दिया सबको। और बसंत पंचमी के दिन हमें पीले या ऑरेंज कलर के वस्त्र, पीले या नारंगी कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, काले और नीले रंग के हमें वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और उस दिन हमें सरस्वती माता के मंदिर जाना चाहिए, नहीं तो घर में एक फ़ोटो में या चित्र बना के पीले माला या सफ़ेद माला से उनकी पूजा करनी चाहिए। और अपने बच्चों के जो हम अपना पेन यूज़ करते हैं, कलम यूज़ करते हैं, उस कलम को नया खरीद के लाना चाहिए और सरस्वती माता के सामने हमें कॉपी किताबें रखनी चाहिए और उस पेन का इस्तेमाल हमें पूरे साल करना चाहिए। वही हमें बच्चों को भी देना चाहिए और वो हमें खुद पूरे साल इस्तेमाल करना चाहिए। सरस्वती माता को पीले चावल का, पीली मिठाई का, पीली मेवा का, जो भी हो, सबसे ज़्यादा सरस्वती माता को मखाने का भोग लगाना चाहिए, चीनी का भोग लगाना चाहिए, दूध की खीर बना के चढ़ानी चाहिए। ये सब कुछ हमें बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे तुतला रहे हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता दिमाग में उनके नहीं आती, उनको कुछ भी याद नहीं होता, तो उसके लिए हमें केसर घोर के, केसर की एक दो पत्ती डाल के पानी में घोर के उनके बच्चे को जी पे एंग बना देना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि तेज़ हो जाए। और अगर हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, हम कुछ भूल जाते हैं या हमारी बुद्धि काम नहीं करती, तो उसके लिए हमें आज बसंत पंचमी से लेके अगले साल बसंत पंचमी तक की वंदना करनी चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। जो चित्र को हम पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं उस चित्र को हमें बच्चों के पढ़ाई वाले स्थान पर लगा देना चाहिए ताकि बच्चे उसको देख के सुबह प्रणाम करके तब पढ़ाई शुरू करें, इससे बच्चों को एकाग्रता आएगी। और एक उपाय और कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि जब पहले कोई ज़्यादा बीमार होता था और उसकी नब्ज ढूंढने नहीं मिलती थी तो 101 पीले सरसों के फूल, हमने दिखाए हैं वीडियो, पीले सरसों के फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया करते थे और जल चढ़ा दिया करते थे ताकि वो इंसान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फूल, पीले जो फूल होते हैं ना सरसों के, उसमें बहुत ताकत होती है क्योंकि सरसों से ही हमारी नज़र उतारी जाती है, सरसों से, लाही से और मिर्चा से। तो इसलिए बसंत साल में एक ऐसा दिन आता है जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं, उस दिन हमें 31 सरसों के फूल ले भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए, अपने बच्चों से चढ़वाने चाहिए। अगर बच्चे हमारे बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके नाम से हमें 31 पीले सरसों के फूल लेके और एक एक करके हमें वहाँ चढ़ाना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ाना चाहिए और फिर उसके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। और बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी हैं, इसलिए बुद्धि और ज्ञान की देवी माता सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए हमें बसंत पंचमी के दिन, और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के धन कहाँ और बिना धन के मित्र कहाँ, और जब मित्र नहीं तो सुख कहाँ, और सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए और अगर विद्यार्थी है तो उसे सुख त्याग देना चाहिए। इसी से सृष्टि चलती है क्योंकि विद्या कंठ पे हमारे विराजमान है, माता सरस्वती कंठ पे विराजमान है। हमें रोज़ केसर का तिलक कंठ पे लगाना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि माथे पे और कंठ पे लगाना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि कुशाग्र हो, बहुत तेज हो, ताकि हम पढ़ लिख सकें और सुख की प्राप्ति कर सकें और मित्रों की प्राप्ति कर सकें। कहते हैं धन के बिना तो धर्म भी नहीं होता है, और धर्म की इस टाइम पूरे भारतवर्ष को बहुत ज़रूरत है। हमें धर्म के प्रति झुकना चाहिए, हमें हर त्यौहार खुशी खुशी मनाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सुख को पा सकें और सुख का अनुभव कर सकें, माता सरस्वती की पूजा कर सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। बसंत में हमेशा विद्या चाहिए, हमेशा ज्ञान चाहिए, तो हमें हर रोज़ सवेरे सुबह उठ के नहा धो के वंदना करनी चाहिए, सरस्वती वंदना करनी चाहिए ताकि हम सुखी सुख का अनुभव कर सकें। जय माँ सरस्वती। और एक मंत्र भी है सरस्वती माता का, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो एक स्फटिक आता है सफ़ेद दीप पे चढ़ा देनी चाहिए और सरस्वती जी से जब चढ़ा दें तो जब वो माला हमें प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए। स्फटिक की माला में माता लक्ष्मी का भी वास होता है और माता सरस्वती का भी वास होता है, इसलिए स्फटिक की माला को हमें चढ़ा के और अपने पास रखना चाहिए, हमारे पूजा स्थान पर रखना चाहिए, हमारे बच्चों को पहनानी चाहिए और केसर से एंग जरूर लिखवाना चाहिए। अगर हम केसर से एंग बच्चे की जीभ पे लिख देंगे तो उसका तितलाना, उसका हकलाना, उसका पढ़ाई में मन लगना सब कुछ तैयार हो जाएगा। बसंत पंचमी के दिन एक ऐसा अभिजीत मुहूर्त बनता है जिस पर हम शादी, नया मकान, बच्चों का मुंडन, कंछेदन, कोई भी काम
बिना किसी से पूछे कर सकते हैं और वो शुभ और फलदायी होता है। और अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि आज हम मंदिर आए थे, आज बसंत पंचमी थी।